हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम अगेन टू आवर विद्या विहार फैमिली। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा सबसे डे का सबसे फर्स्ट लेक्चर होता है द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब, जिसमें हम लोग कुछ एक वर्ड को डिस्कस करते हैं जो कि द हिंदू के एडिटोरियल से लिया जाता है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड की ओर, जो कि है हमारा कैप्रिसस। पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है अस्थिर, सनकी, यानी कि अनप्रेडिक्टेबल चेंज, मतलब किसी के मूड में अनप्रेडिक्टेबल चेंज हो उसको सनकी बोल सकते हैं। जो अभी तुरंत नॉर्मल है, थोड़ी देर बाद तुरंत गुस्सा हो जाता है, उसी को बोलते हैं। जैसे ये पिक्चर देख सकते हैं, ये बच्चा थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल मूड का है, कुछ फेंक दे रहा है, माँ बाप दोनों इसको मनाने पर लगे हुए हैं, कभी दूध फेंक दे रहा है, कभी कुछ और फेंक दे रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैप्रिसस। ट्रम्प इज सच ए कैप्रिसस पर्सन, वी नेवर नो हाउ ही विल रिएक्ट। ट्रम्प इतना सनकी अस्थिर व्यक्ति प्राणी है, जिसको जो कि हम लोग कभी नहीं पता कर सकते कि वो कैसे किसी सिचुएशन पे रिएक्ट करेगा। She was as capricious as her mother had been. वो उतनी ही अस्थिर और सनकी है जितनी उसकी माँ हुआ करती थी। Synonyms देखते हैं, arbitrary, quirky, unstable. Unstable मतलब अस्थिर। Antonyms देखते हैं, cautious, predictable, reliable, यानी जिस पे भरोसा किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अपने capricious behavior के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है, मतलब सनकी behavior के लिए। चलते हैं सेकेंड वर्ड की ओर, जो कि है हमारा कॉम्प्लायंस। I will repeat it again, compliance. Parts of speech में ये noun के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है अनुकूल या स्वीकृति, agreement, जिसको बोलते हैं accordance, conformity, मतलब किसी को आप मिलाकर चलो, किसी की स्वीकृति लेके चलो, उसी को बोलते हैं compliance। जैसे ये देख सकते हैं, policies, regulation, rules and law, ये सबको मिला के आप compliance बनाते हो, यानी आप law के हिसाब से चल रहे हो, regulation के हिसाब से चल रहे हो, policy को मान रहे हो, rule को follow कर रहे हो, तो इसी को आप compliance बोलते हैं। China's attack on Indian army is not as per agreement compliances. आप सबको पता होना चाहिए कि LSC के 2 किलोमीटर के अंदर तक कभी भी हमला नहीं हो सकता है कि उसे सैनिक पे, आइदर नहीं तो चाइनीज कर सकते हैं इंडियन पे, या नहीं तो इंडियन कर सकते हैं चाइनीज पे। तो इसका अल्टरनेटिव उन लोगों ने खोज निकाला कि गोली बम बारूद का वार किए बिना ही उन्होंने इंडियन सैनिकों को घायल कर दिया, इंडियन सैनिकों ने भी उनके सैनिकों को घायल किया। तो चाइना का जो ये अटैक था इंडिया पे, वो किसी भी एग्रीमेंट के अनुकूल नहीं था, वो एग्रीमेंट के प्रतिकूल था, यानी कि उसके खिलाफ था। कॉम्प्लायंस विद द लॉ इज एक्सपेक्टेड इन द स्टेट, यानी कि लॉ के हिसाब से अनुकूलता या स्वीकृति एक्सपेक्ट की जाती है स्टेट में, कि लोग लॉ को फॉलो करें, लोग लॉ को माने, कानून को माने। सिनोनिम्स देखते हैं, कंसेंट, अवेनेबिलिटी, कंसेशन। एंटोनिम्स देखते हैं, रिफ्यूजल, डिफरेंस, डिसएग्रीमेंट। इंडिया और नेपाल के बीच का अलायंस अभी फिलहाल इतना अटका हुआ है क्योंकि नेपाल लॉ के कंप्लायंस को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि वो गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रहा है, वो चाइना के साथ में जाके मिल गया है और इंडिया के खिलाफ में बातें कर रहा है। चलते हैं थर्ड वर्ड की ओर, जो कि है हमारा पल्पेबल। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है प्रत्यक्ष, स्पष्ट, गोचर, जो यानी साफ दिख जाए, क्लियर रूप से दिख जाए, एविडेंट हो, ऑब्वियस हो। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, पुलिस ने इस इलाके की नाकाबंदी कर दी, यानी कि यहाँ पे या तो कुछ गलत होने वाला है या कुछ गलत हो चुका है, ये प्रत्यक्ष रूप से हमें स्पष्ट गोचर है, यानी कि दिख रहा है। द टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज पाल्पेबल, इंडिया एंड चाइना के बीच का टेंशन जो है वो प्रत्यक्ष है, यानी सबको वो दिख रहा है। सिनोनिम्स देखते हैं, अपेरेंट, सर्टेन, कंस्पिकुअस। एंटोनिम्स देखते हैं, एम्बिगुअस, डूबियस, कंसील, यानी कि जो प्रत्यक्ष ना हो, जो छिपा हुआ हो, हिडन हो। ये सबके लिए पाल्पेबल है कि विराट कोहली अभी फिलहाल अनस्टॉपेबल है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में, ये तो है ही, विराट कोहली जैसा बल्लेबाज कोई है नहीं, उसे कोई बॉलर रोक नहीं सकता। चलते हैं आज के फोर्थ वर्ड की ओर, जो कि है हमारा स्वैत। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब के अंदर आता, जिसका मतलब होता है लपेटना या बांधना। इस पिक्चर को देख सकते हैं कैसे यहाँ पे लेयर बाय लेयर किसी चीज को लपेटा गया है, इसी को बोलते हैं हम लोग स्वैत। द नर्स स्वैत द वुंड, द वुंडेड सोल्जर्स लेग इन बैंडेजेस। नर्स ने क्या किया, जो घायल सोल्जर था उसके पैर को बैंडेज से लपेट दिया या बांध दिया। सिनोनिम्स देखते हैं, स्वेडल, रैप, रैप, रैप मतलब लपेटना। एंटोनिम्स देखते हैं, जिन्यू, बेयर, एक्सपोज, एक्सपोज मतलब उसे खुला करना, छोड़ देना। घायल सोल्जर्स को बैंडेज से स्वैत करके उन्हें संवाद के लिए बोला गया, क्योंकि टेम्परेचर काफी कम था उस एरिया में। आपको पता है लद्दाख एरिया में माइनस में जाके टेम्परेचर होता है, तो सोल्जर्स को पहले लपेटा जाता है, मतलब कि बैंडेज किया जाता है, उसके बाद उन्हें बोला जाता है कि विटामिन डी लें सूर्य से।
चलते हैं हमारे फिफ्थ वर्ड की ओर, जो कि है हमारा इम्पेरिल। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है इन डेंजर, किसी चीज को खतरे में डालना, टू पुट इन डेंजर। ये पिक्चर देख सकते हैं, ये साइन ही है खतरे का, यानी ये साइन आप जहां देख लो समझ लो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ खतरा है। COVID-19 हैज ऑलरेडी इम्पेरिल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया। COVID-19 के कारण, कोरोना वायरस के कारण ऑलरेडी भारत की आर्थिक स्थिति जो है खतरे में डाली जा चुकी है। वायलेंस एंड मिलिट्री अटैक्स विल इम्पेरिल पीस, यानी कि वायलेंस, अहिंसा और मिलिट्री अटैक यहाँ की शांति को खतरे में डालेगी। सिनोनिम्स देखते हैं, जियोपार्डाइज, मिनैक, इंडेंजर। एंटोनिम्स देखते हैं ऐड, असिस्ट, प्रोटेक्ट। टिप्स इसको याद रखने की कोशिश करेंगे, पर बैरल पेट्रोल का रेट बढ़ने से लोगों के पैकेट पे बर्डन और बढ़ने वाला है, इकोनॉमिक कंडीशन इम्पेरिल होने वाली है, यानी कि खतरे में पड़ने वाली है। पर बैरल, आपको पता है पेट्रोल डीजल जब भी आता है क्रूड ऑयल इंडिया में, बैरल के हिसाब से आता है। अभी कुछ दिनों पहले तो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है वो पर बैरल फ्री में दे रही थी कंट्री को, क्योंकि उनके पास स्टोरेज ही नहीं है और प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो गया। बट फिर भी गवर्नमेंट इधर अपना पैसा बचाने के चक्कर में, या फिर बोलें कि ये COVID-19 की भरपाई करने के चक्कर में पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाई जा रही है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू।